व्यक्ति की तो बहुत अच्छी है, लेकिन साउंड के लिए मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो मैं आप पिक्चर देता हूँ, आप पूरे इंडिया में फिर दो। ऐसे तो गुजरात में कुछ सोचने जैसा नहीं है, लेकिन आपके आने के बाद जो एक दो सीटें कांग्रेस को मिलने वाली थी वो भी चली गई। तो साउथ में अगर आपके जैसे दिग्गज नेता जो अगर ध्यान अभी भी केंद्रित करते हैं, 272 इसके ऊपर 300 तक कह सकते जी, और नरेंद्र भाई को मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता हूँ, वो गुजरात का गवर्नमेंट इंडिया का गवर्नमेंट बनेगा। हाँ, और दूसरा सवाल यह है कि जो उद्योग के लिए छोटे छोटे जो किसान हैं उनके पास 1 एकड़ है 2 एकड़ है, और ये नहरों के लिए भी उनकी जमीन जो संपादन की जाती है उसको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, जिससे वो आघात करते हैं, सुसाइड करते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है? और तीसरा आखिरी सवाल, बिन सांप्रदायिक था वो इतना चर्चित शब्द हो गया है, तो इसके बारे में लोगों को जानना है कि बिन सांप्रदायिक क्या है। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1977 में आंध्र में जनता पार्टी को एक ही सीट मिली थी, संजीवा देवी, तमिलनाडु में सिर्फ 4 सीट मिली थी, और कर्नाटक में 2 सीट मिली थी, और केरला में 0 सीट मिली थी। इस बार आंध्र में आज जो गठबंधन हो गई है चंद्रबाबू नायडू के कारण, 48 में आपको 42 में आपको 25 सीट मिलने वाली है, कर्नाटक में 22 सीट मिलने वाली है, तमिलनाडु में 10 सीट मिलने वाली है, और केरल में 1 सीट कम से कम मिलने वाली है रेडर का। तो पहले से 77 से अच्छा है। 77 में क्या हुआ कि सारे उत्तर भारत के हिंदी प्रदेशों में 100% सीट जनता पार्टी जीती, गुजरात में नहीं जीती थी, यहाँ भी मोरारजी देसाई भी बलसार में बाल बाल बचे, 26,000 वोट से ही जीते थे। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, इस समय तो लगता है कि 26 सीट आप जीतने वाले हैं गुजरात में। उत्तर प्रदेश में 2 महीने पहले कह रहे थे आपको 15 सीट मिलेगी, कल CNN IBM के सर्वे के अनुसार आपको 51 सीट मिलने वाली है 80 में, और मैं आपको कहता हूँ कि मई 16 तारीख को आपको 80 में 70 सीट मिलेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो मजॉरिटी के लिए कोई सवाल नहीं, मजॉरिटी मिलेगी, और इसीलिए आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। जहाँ तक आपने सवाल उठाया कि ये जो सांप्रदायिकता है, ये इसीलिए होता है कि जो हमारे लोग हैं वो समझते हैं कि हिंदुओं को जात में बांट दो और मुसलमान और क्रिश्चियन को अभी एक थोक में वोट प्राप्त करो। शाही इमाम को बेशरम होकर भी इन्होंने जाकर उनसे मांगा है, उनके पास उनके नाम पर कितने वारंट हैं, कितने केसेस पड़े हुए हैं, उनको कोई सुनता है? आज मुसलमान ने भी, मैं बता रहा हूँ कि शिया इमाम के कहने पर वोट नहीं देगा, सूफी नहीं देगा, अहमदिया नहीं देगा, कोजा नहीं देगा, बोरा नहीं देगा, और सुन्नी में भी बैरवी जो मुस्लिम है वो भी नहीं देगा। तो ये क्यों जा रहे हैं पागल होकर के इमाम के पीछे? ये इनके मंशा दिखाती है। क्रिश्चियन के फादर्स को बुलाकर कैथोलिक बिशप्स की उन्होंने सम्मेलन की है, और हर चर्च में ये फैसला हुआ है कि हर संडे को कहा जाएगा कांग्रेस को ही वोट दो, ये सोनिया गांधी ने करवाया है। तो ये इससे तो इसका एक ही जवाब है,
हम लोग अपने सारे जात और भाषा और प्रांत को भूल करके एक हो करके वोट बोले, उसमें मुसलमान भी जो देशभक्ति मानता है वो भी साथ देकर वोट डाले। हम सब जो देशभक्ति लोग हैं उनको एक बार एक साथ आ जाना चाहिए, कोई प्रांत भाषा कुछ नहीं देखना चाहिए, एक बार हो जाए तो फिर सदा के लिए हमारे देश की क्या हो जाए। स्वामी जी।